बड़े सत्कारत ने, बड़े सोहने लगते ने, बड़िया वधिया गल्लां करदे ने, जिन्हां ने रब का कंसैप्ट ही बदलता है, जिन्हां ने सिखी सिधांत ही बदलता है, जिन्हां ने सिखी मर्यादा ही बदलती है, तो फिर चोले दे विच धंधा भी बदलता है। मेरा ख्याल तुसीं देखे होणे आ बाबा रणजीत सिंह जी ढड्डियां वाले कि बलटोआ साहब ये जिहड़ी स्टेटमेंट तुसीं दित्ती है जां जिहड़े इल्जाम तुसीं मीडिया दे विच बैठ के लाए है रणजीत सिंह ते इस चोले नूं दागी करन वास्ते, की ये इल्जाम तुहाडे वल्लों ने जां अकाली दल वल्लों ने? असल यह प्रॉब्लम है जिहड़े गोलकां वाले पासे जिन्हां दा ध्यान है, धार्मिक ढांचे तो जिहड़े बने ने, धर्म नूं वरत के जिन्हां ने लोकां ते राज कीता है, उन्हां दी ये प्रॉब्लम है। रब दी व्याख्या वो होवे कि लोकी डिपेंड रहन, लोग डरे डरे रहन, लोग घबराए घबराए रहन, लोग धार्मिक अस्थानां ते लिलकड़ियां लैंदे रहन, पर ढड्डियां वाले दी रब दी व्याख्या पैरां ते खड़ा करदी है। विरसा सिंह जी, चमक पैदा करदी है बंदे विच, हिम्मत पैदा करदी है बंदे विच, उत्साह भरदी है बंदे विच, भी अपने काम आप करने पैणगे, परमात्मा साडे विच है, ये है रब की व्याख्या। गुरु साहब ने कहा सी तेरे विच है, और सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, तरले ना लैंदा रही। तुसी चाहुंदे हो कि लोग धार्मिक स्थानां ते तरले कढ़दे रहन, लिलकड़ियां लैंदे रहन, उन्हां दीआं भावनावां नूं कैश कराया जावे, गोलकां भरियां जाण, उस तो बाद अपनियां लीडरियां चमकाइयां जाण। तुसी ये चाहुंदे हो कि रब की व्याख्या ये होवे। ते बाबा जी जिहड़े सिख कौम दे दोषी, सिख कौम दे, मेरा ख्याल है कि जिहड़ा राम रहीमो तो वड्डे दोषी है, जिन्होंने सिखी सिद्धांत बदलता, सिखी सोच बदलती, सिखी मर्यादा बदलती, और मेरा ख्याल है कि दुनिया के उत्ते कोई अजिहा नहीं गा कि जिन्हें रब की परिभाषा ही बदलती, जिन्हें नाम सिमरन की परिभाषा ही बदलती, तो जिन्हें साढ़े गुरु साहिबान के अस्थाना के बारे ही महत्ता ही बदलती, इस तो वड्डा गुनाहगार भी हो सकता। इस परिवार का लड़का जिहड़ा प्रभजीत सिंह है, जिहड़ा 300 किलो हैरोइन दे विच फड़िया गया, मुंबई के बंदरगाह उत्ते कारोबार करता होया DRI ने, और जिहड़ा राम सिंह जिहड़ा गनमैनी करता आ ढड्डियां वाले दी, उहदा बेटा शायद इंद्रजीत सिंह नाम उहदा, राम सिंह दा इंद्रजीत सिंह, वो कनेडा च ड्रग दे धंधे च काबू है। आ लिखिया आ, ये डेली हंट की खबर है कि कस्बा चोला साहब खेती स्टोर करते प्रभजीत दे चाचे का पुत कनेडा रहिंदा है, राम सिंह का लड़का, उत्थे नशे के काले कारोबार तहत मुकदमे में नामजद है, विदेशों भी कारोबार है। तो बाबा जी की भी विदेशों बड़ी सिखी है ढड्डियां वाले साहब की। सरदार विरसा सिंह जी कोई दूर नहीं सी परमेश्वर द्वार, तुसी आप आके चैक करके बोल दे, क्योंकि तुसी सीनियर बंदे हो, स्पोक्समैन हो एक पार्टी दे, जो तुसी चैनलों पर बैठते हो, जो एड्डी वड्डी गल तुसी करोगे तो उस सबूत ते होवे, कोई साबित ते तुसी कर दे, जिहड़े जिहड़े तुसी इल्जाम लाए है, जिहड़े तुसी वड्डे 3-4 गल्लां जिहड़ियां तुसी कीतियां है उन्हूं तुसी माड़ा जिहा घोखते कर लैंदे। पहला इल्जाम प्रभजीत सिंह चोला साहब दा, सेवा सिंह दा पुत, राम सिंह दा भतीजा, उन्हां दा परिवार राम सिंह होणी मेरे कोल आउंदे जांदे रहे है, मैं भी कई बार उन्हां दे घर ठहरिया, पर जरूरी हुंदा है कि जे भतीजा गलती करदा है तो चाचा जां ताया भी विच इनवॉल्व होवेगा, तो उन्हां दा चाचा ताया फिर जे परमेश्वर द्वार जांदा है जां किते भी जाके मत्था टेकदा है वह सारे विच दोषी हो जांदे ने, क्योंकि मेरियां फोटोआं तुसी विखा रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। की सरदार विरसा सिंह जी गुरजीत सिंह राणो दीआं तस्वीरां ढड्डरियां वाले नूं विखाउणियां नहीं आउंदियां तुहाडे सीनियर लीडरां दे नाल? शर्मा जी नाद तस्वीरां दी गल कीती, मैं तां जे गल कीती सीगी कि परमेश्वर द्वार उन्हों का हैडक्वाटर है, तो जे दूजे नंबर पर उन्हों का है कोई होर स्थान है
जिथे उन्होंने सब तो वड्डी सांझ है जिथे वो आण के रहिंदे ने ठहरदे ने वो हैगा चोला साहब का वो परिवार ते उस परिवार दे नाल उन्हां दे नज़दीकियां जग जाहर ने उन्हां दे सज्जे खब्बे सब तो नज़दीकियां चो ने मेरा तो वो उस विषय से फोटो दे इत्थे पता नहीं कौन किहदे नाल खिचवा के चले जाए वो कोई कोई मैं फोटो वाली गल की नहीं सब तो वड्डी गल है कि तुसां एक पिछे जे गाणा सुनिया होना बड़ा मशहूर होया सी तो बनाया भी वो ढड्डियां वाले ते सीगा वीडियो देखोगे ना सारी प्रतख नज़र आउंदी है ताडे किहड़े चलदे ट्राले बाबा जी यही है ना काका दसदे यही आडे किहड़े चलदे ट्राले बाबा जी हुण ट्राले बाबा जी दे चलदे नहीं ते गड्डियां दी गिनती कोई नहीं ते 2 करोड़ तो थले कोई नहीं हीरियां लगे मोबाइल 2-2 करोड़ दियां गड्डियां केड़ी गड्डी आ लैंड क्रूजर 1,65,00,000 दी आउंदी है एक नहीं पता नहीं किन्नियां है ते 0001 बाबा जी VIP ने बाबा जी ने सीधा सवाल है बाबा जी ताडा हैडक्वार्टर हैगा परमेश्वर बाजार ते दूजे नंबर ते हैगा ताडा चोला साहब राम सिंह ते सेवा सिंह दा घर ते प्रभजीत सिंह दा घर ते उस इंद्रजीत सिंह दा जिहड़ा कनेडा च ड्रग दे मामले च नशे दे मामले च नामजद है ताडा दूजा हैडक्वार्टर हैगा वो घर तुसीं वी अपनी स्थिति स्पष्ट करो ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆ ਇੰਨੇ ਲਾਓ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਸ਼ਾਹੀ 68 7 ਸਟਾਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ सिख धर्म की फिलोसफी बदल सकते ने यहोजा चंद चढ़ना उन्होंने वास्ते कि गल ढड्डरिया वाले कोल महंगिया महंगिया 2-2 करोड़ दियाँ एक नहीं कई कई गड्डिया आ केड़ा दूर सी कोई बंदा ही भेज देंदे परमेश्वर द्वार के गैरेज आके वेखदा आ इत्थे ही बने चैक करदा भी वेख तो लो किन्नियां लैंड क्रूजर खड़िया ने इत्थे 2-2 करोड़ दियाँ किन्नियां गड्डियां खड़िया ने मेरी बेनती है विरसा सिंह साहब कल्ला 1,65,00,000 की तुसी कल्ला ही 65,00,000 दियो ते गड्डी ले जाओ 1,65,00,000 दी जाओ बाजार विच वेच लो 1 करोड़ रुपया बच जाएगा तुहानू ते नाले जिहड़ा तुहाडा उह भवन दे आ पिछे जे चक्कर पिया कुंडियां लाण वाला बिजली चोरी करन वाला नाले उह बिल भी भरिया जा सकदा मैनू भरा 65,00,000 दा करजा दे ते मैं लै आउणा जाके 65,00,000 शर्मा जी तुसी दे दिओ मेरे कोल तां है ही नहीं किते मैं कुत्थे लैणी आ 1-1 करोड़ का कभी मोबाइल वेख्या जी 1 करोड़ का मोबाइल हीरे लगे वाला मोबाइल कभी वेख्या जी बाबे ढड्डियां वाले कोले तियां दाड़ियां सारी उम्र लंघ गई पंथक हो तुसी सानू ते पंथक नहीं मनदे पर तुसी अफवाह उड़ गई कोई 15 साल पहला 92 करोड़ दे फोन की अफवाह उड़ गई सानू ते सिख तुसी नहीं मनदे तुसी ते सच्चे सिख हो के नहीं स्पोक्समैन हो चैनलों पर बोलते हो मीडिए सामने बैठे हो गल नाल गल करो एक अफवाह उड्डी के 92 करोड़ का फोन है तो तुसी अज कह रहे हो वेख्या किसी ने ढड्डरिया वाले कोल है फोन तुसी वेख लिया सी विरसा सिंह जी पत्रकारां नू पुछदे हो तुसी वेख्या अज तक एक अफवाह उड्डी तो उहनूं यकीन कर लिया भी सच्ची ढड्डरिया वाले कोल 92 करोड़ का फोन होएगा जिहड़ी मैं परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती उह च जांच मंगी है जांच मंगी है एक बंदे कहिंदे सी कि राम सिंह का कोई रोल नहीं राम सिंह का भतीजा जी तो राम सिंह का मुंडा कनेडा फसया जिथे बाबा जी जाते आते रहते हैं वो बारे क्यों नहीं दसिया इस करके गल्लां सज्जे दियाँ खब्बे दियाँ मार के निकलती मैं तो जांच मंगी है कि बाबा जी का रोल हैगा जे हैगा तो उस पास उतरो मैं तो बाबा जी के गल फटी नहीं पाती भी दोषी है इन्हों की भी मंग करते हैं इन्हों की जी जांच है DRI करे डीपली करे और पंजाब दी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वो भी करन ते जिहड़ी आ खास करके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आ वो भी इहदे विच सारियां परतां नूं उधेड़े ढड्डरिया वाले की जांच होवे जरूर होनी चाहिए है लियाओ जिहड़ी एजेंसी जी करदा
ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਾਧਾ ਕੋਲ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ, ਵਿਖਾਓ ਕਿਤੇ। 22-23 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਕੈਮਰੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਗੇੜਾ ਕਢਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਆ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 25-26 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਰ 20 ਗੇੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਗੇੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ, ਆ ਲਿਆਓ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ।